हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आपके तीन चैप्टर कवर हो जाएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, क्योंकि ये टॉपिक जो ये कॉमन टॉपिक है इन सभी चैप्टर्स में आएगा। तो टॉपिक हमारा शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इंफॉर्मेशन भी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, अगर आपको ज्वाइन करनी होगी तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि मैंने, देखिए आपके लिए ऑलरेडी पहले से दो एंट्रीज जो हमारे इस टॉपिक में यूज होंगे, तो बुक में आपको थोड़ा सा यही एंट्री दो या तीन पार्ट में मिलेगा। मैंने उसे इजी करा है थोड़ा सा, ठीक है, और उन्हें लर्न करना हमें किस तरह से, वो टेक्निक मैंने अपने बैलेंस शीट से बनाया हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसा कि पहला टॉपिक जो होता है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व में, सो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल रिजर्व। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है वो ऑल यूज किया है, मतलब मैं यहाँ पे सारे रिजर्व की एंट्री एक साथ कर रहा हूँ। सेपरेट सेपरेट बुक में मिलेगा आपको, लेकिन मैं एक साथ बता रहा हूं अभी। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो देखिए मैंने ऑलरेडी नोट किया हुआ है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, WCR मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब आपका सिलेबस रिवाइज हो चुका है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर भी एक नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें कि इसमें जितने भी सारे केसेस हैं उन्हें लर्न करने की मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। और यहां पर देखिए PL अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ये एंट्री तो सभी को दिख रही होंगी, ठीक है, लेकिन ये एंट्री जो भूल जाते हैं आप लोग बार बार, इन्हें किस तरह से हमें लर्न रखना है मैं वो ट्रिक सिखाऊंगा। तो यहां पर देखिए, ये सारी चीजें डेबिट हो गई, और यहां पर मैंने देखिए जो दो, मैंने कहा ना कि सारा जो चैप्टर आपका है ये एक ही एंट्री में कवर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि अगर ये क्वेश्चन हमारा, फॉर एग्जांपल एज्यूम करिए एडमिशन का कंडीशन आया, कह दिया क्वेश्चन में कि सी इज एडमिटेड फॉर द फर्म, तो अब यहां पर अगर कोई पार्टनर फर्म में न्यू एंटर करता है तो ऐसे कंडीशन में ये जो एडजस्टमेंट हमारे हैं, ये सारे एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो कैपिटल और करेंट जो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का कॉन्सेप्ट है, कि हमारे ऑलरेडी वीडियो में अपलोडेड है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, आप देख लीजिएगा। तो ऑन एडमिशन में देखिए हमने यूज किया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड रिटायरमेंट और डेथ के कंडीशन में हमने देखिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज किया। बस यही डिफरेंस है इस पूरे टॉपिक में। अगर एडमिशन है तो हम ओल्ड पार्टनर्स वर्ड यूज कर लेंगे, मतलब ये सारी चीजें हमने डेबिट किया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। और अगर हमारा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट का है और डेथ का है, तो ऐसे कंडीशन में ये सारी चीजें ऑटोमेटिक फिर से डेबिट होंगे, बट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट हम नोट कर लेंगे। बस यही एक माइनर सा डिफरेंस है इनके बीच में, और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आते हैं रेशियो पे, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ओल्ड पार्टनर्स है तो जाहिर सी बात है ओल्ड रेशियो में होगा, और ऑल पार्टनर्स है तो इनके ऑल रेशियो मतलब कि ओल्ड ही वाला रेशियो होगा। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोर्ड हमेशा कंफ्यूज करता है। आप देखिएगा जब क्वेश्चन में, तो आपको ओल्ड रेशियो का भी डाटा मिल जाएगा, न्यू रेशियो का भी डाटा मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब चीजें हमें गेनिंग रेशियो में डिवाइड करना है या फिर सेक्रीफाइसिंग में। तो कुछ बच्चे सेक्रीफाइसिंग में कर देते हैं, कुछ गेनिंग में करते हैं, क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है, माइंड में ये चलता है कि अगर ओल्ड और न्यू दोनों है तो यानी कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आएगा, बट जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने यहां पर कंडीशन लिखा है कि ये सारे जो एडजस्टमेंट है ये सारे हमारे ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होंगे। एडमिशन है तो ओल्ड पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ है तो ऑल पार्टनर, बस इसीलिए मैंने स्लैश कर दिया। फिर आते हैं अपने लॉस के कंडीशन पे, तो लॉस में देखिए जस्ट यही एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, मीन्स यहां पर जो ओल्ड पार्टनर या ऑल पार्टनर यहां पर क्रेडिट है, इन द नेक्स्ट एंट्री इन द लॉस केस ये सारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये पैसा पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है और यहां से पैसा डेबिट मतलब माइनस हो रहा है। अब ध्यान से समझना हमें कंडीशन, तो ये सारी चीजें यहां पर डेबिट थी, तो लॉसेस की ये सारे एक्सपेंसेस के कंडीशन है तो ये डेबिट हो रहे हैं। माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हम हमेशा, अब यहां पर देखिए जैसे आपको PL अकाउंट दिख रहा होगा, तो मैंने यहां पे PL अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यूज किया और इधर मैंने PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस यूज किया, तो क्रेडिट बैलेंस है और देखिए मैंने साइड में नोट भी किया है कि ये प्रॉफिट है और ये जो हमारा PL अकाउंट है ये हमारे फर्म के लिए लॉस है,
अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस चक्कर में कि अगर हमारा पीएल अकाउंट का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। सोचना सही है कि ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, तो पीएल अकाउंट को तो क्रेडिट होना चाहिए, क्यों ये डेबिट हो रहा है? तो ये बैलेंसिंग फिगर है, मतलब ये बैलेंस बताया जा रहा है, इसीलिए मैंने इस ट्रिक को लर्न करने के लिए बैलेंस शीट बनाया है। ध्यान से समझिएगा, रिजर्व कहां पे आता है? तो तुरंत आप कहेंगे सर ये तो बैलेंस शीट में ही आता है, पीएल अकाउंट जो है, रिजर्व है, ये सारी चीजें हमारे बैलेंस शीट में दिया रहेगा। किधर दिया रहता है? तो आप कहेंगे सर रिजर्व तो हमेशा लायबिलिटी साइड में दिया रहता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11th में भी देखा था। तो लायबिलिटी साइड में देखिए, ये सारी चीजें जो हमने डेबिट किया ये लायबिलिटी साइड में देखिए आते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट देखिए दोनों जगह आता है, इन द लायबिलिटी साइड एंड इन द एसेट साइड ऑल्सो। तो यहां पर देखिए एसेट साइड में है तो ये लॉस है, लायबिलिटी साइड में तो प्रॉफिट है। तो सोचेंगे लायबिलिटी साइड में तो प्रॉफिट कैसे है? तो ये आएगा लॉजिक हमारा बैलेंसिंग फिगर का। तो अगर आपसे हमेशा पूछा जाता था क्लास 11th में कि चलिए बताइए कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे सर डेबिट होता है। लायबिलिटी कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, तुरंत कहेंगे सर क्रेडिट होता है। तो यानी कंडीशन क्या बनी, अगर बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है तो इट मींस दैट कि पीएल अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ। समझ रहे हैं ना? तो अगर लायबिलिटी साइड में हमारा पीएल अकाउंट दिया है इट मींस दैट कि ये जो पीएल अकाउंट है ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, और क्रेडिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड इनकम। तो इसीलिए ये जब भी लायबिलिटी साइड में पीएल लिखेगा क्वेश्चन में तो आप समझिएगा कि ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और जब भी एसेट साइड में पीएल अकाउंट लिखेगा तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और नॉमिनल रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो ये देखिए यहां पर हो गया डेबिट बैलेंस, लेकिन जर्नल में तो क्रेडिट ही होगा ना, क्योंकि ये पैसा पार्टनर के अकाउंट से डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो जिस पार्टनर के अकाउंट में जा रहा है वो क्रेडिट, जिस अकाउंट के पार्टनर से माइनस हो रहा है वो डेबिट। तो इस सिंपल से लॉजिक के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना पूरा ये टॉपिक को कवर कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसके लॉजिक को समझते हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक आपके हैं। अब जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो पहले हम आपको इसका जर्नल एंट्री बताएंगे, क्योंकि हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको सारे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को लर्न करने की टेक्निक सिखाया था, और आज मैंने आपको रिजर्व से शो कर दिया। अब हम एक कंबाइंड क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बोर्ड से होगा, तो उसमें हम आपको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और जो रिजर्व ये लॉस पूरा कंडीशन में आपको पूरा एक सॉल्व करके एक क्वेश्चन पे दिखाऊंगा। उसके बाद से जो हमारा टॉपिक आएगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो वीडियो पूरा देखेंगे उन्हें हमारे लास्ट वीडियो तक में न्यू टॉपिक जो होगा वो पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर मैं पूरा केस आपके लिए लेकर आऊंगा विद सॉल्यूशन और विद टेक्निकल ट्रिक के साथ, कि आपको तुरंत कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएगा, और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम एज इट इज फॉर IFRS इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों पर मैं आपके लिए कैलकुलेशन ट्रिक लाऊंगा और लर्न करने की टेक्निक, जैसे कि हमने आपको आज बताया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।